आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। एक मठ वो रीवा में भी बना रहे थे। उन्हीं में से एक मठ है पुरी का मठ। वहां के जगत गुरु शंकराचार्य आदि निश्चलानंद सरस्वती महाराज का आगमन रीवा की धरती पर हो रहा है। ये रीवा शहर के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि आज गुरु शंकराचार्य जी के पैर विंध्य की पावन धारा पर पड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर हमने उस टीम से बात की जो आदि शंकराचार्य के लिए रीवा आगमन की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए उस टीम का क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। आपको आपके स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा। ये चेहरे एक बड़ा काम करने जा रहे हैं रीवा में। रीवा में एक बड़ी धर्म सभा और उस धर्म सभा को संबोधित करने शंकराचार्य जी आ रहे हैं, पुरी के शंकराचार्य। आज बात इसी को लेकर, क्या है तैयारियां और कब का है कार्यक्रम? जी, तैयारी हम लोग प्रारंभ है। 14 और 15 अप्रैल को शंकराचार्य जी का कार्यक्रम है। सुबह 4:55 पर बिलासपुर एक्सप्रेस से उनको आना है। फिर पूरे दिन भर उनके कार्यक्रम है, रात्रि विश्राम है, अगले दिन भी उनके कार्यक्रम है और फिर यहाँ से सतना की उनकी रवानगी है। रीवा के प्रति सदैव शंकराचार्य और जगत गुरु और संत महात्माओं का एक अलग स्नेह और आशीष रहा है। ऐसा हम सुनते आए हैं कि आद्य शंकराचार्य जी का रीवा में आगमन हुआ था और रीवा में जो पंचमठ नाम का स्थान है, ये पंचमठ के रूप में आदि शंकराचार्य जी ने उसकी स्थापना किया था। वो उन दिनों में अस्वस्थ चल रहे थे और यहाँ से बद्रीनाथ के रास्ते में वहाँ जाने के बाद उनका महाप्रयाण हुआ, इसलिए इसको एक बड़ा स्वरूप नहीं दे पाए। लेकिन उनके द्वारा स्थापित यह मठ आज भी अपनी आस्था और विश्वास के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आज भी रीवा का पंचमठा आज भी आस्था विश्वास का केंद्र है, क्योंकि उसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने स्वयं की थी। किस तरीके से स्वागत की तैयारियां? स्वागत में शंकराचार्य जी सुबह 5:55 के रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और उनको जहां आवास दिया है शास्त्री भवन अमैया, वहां तक लाया जाएगा। फिर वहां वैदिक मंत्रोच्चार एवं कलश यात्रा के द्वारा उनका स्वागत होगा और उनकी पत्रकार वार्ता वो संबोधित करेंगे एवं मंत्र दीक्षा कार्यक्रम और मार्गदर्शन संगोष्ठी भी रहेगी। शाम को 5:00 कृष्णराज ऑडिटोरियम में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन होगा, जिसमें पूरा रीवा और रीवा के आसपास के क्षेत्र के जितने भी जन आ सके सभी आमंत्रित हैं। क्या कहेंगी मैम? जी, जय जगन्नाथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूजनीय शंकराचार्य जी का रीवा में पदार्पण हो रहा है, हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों के पुण्य हैं जो वो रीवा में पधार रहे हैं और शास्त्री भवन अमहिया में जहाँ उनका आवास है वो पूजनीय पंडित राम सागर शास्त्री जी का घर है। और ये भी बहुत सौभाग्य का विषय है कि पंडित राम सागर शास्त्री जी पूजनीय करपात्री जी के शिष्य रहे हैं और पूजनीय आदि शंकराचार्य जी भी करपात्री महाराज के शिष्य रहे हैं, तो इस नाते दोनों गुरु भाई हो गए। तो ये बहुत ही सुखद, बहुत सारी कड़ियां आपने जोड़ दी, बड़ा सुखद संयोग रीवा के लिए। क्या बोलेंगे? मैं तो केवल इतना ही बोलूँगा कि जितने भी धर्मनिष्ठ लोग हैं जो राष्ट्र का उत्कर्ष चाहते हैं, आध्यात्म में उनकी रुचि है, तो वो जरूर हमारे पूरी पीठाधीश्वर माननीय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दर्शन उनका करने आए और उनके विचारों को सुने, ताकि तन की मन की और धन की शुचिता निरंतर आगे बढ़ती रहे, निरंतर आगे बढ़ती रहे। जिस तरीके से शंकराचार्य जी के रीवा आगमन में काफी उत्साह लोगों के बीच नजर आ रहा है, तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है, किस तरीके से क्या है माहौल, कैसा लग रहा है? रीवा में जिस तरह से चहुंमुखी विकास शुरू है, चाहे शैक्षणिक विकास हो या व्यवसायिक विकास हो, किसी भी क्षेत्र में देखिए चारों तरफ विकास है, तो इस कड़ी में ही एक धार्मिक विकास का भी, धार्मिक उन्नयन भी रीवा की धरती पे होना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गुरु शंकराचार्य जी के चरण रीवा की धरती पे पड़ रहे हैं, जिनसे सलाह लेने के लिए तमाम प्रकार के वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो रीवा की धरती में आ रहे हैं
और एक धार्मिक बड़ा एक धार्मिक आयोजन उनकी जो समिति है, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी हैं, आयुष जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, बासु जी हैं, ये सब मिल के जो समिति बनी है, एक ऐसा व्यवस्था बनाई जा रही है कि रीवा के अंदर जब वो आए हैं तो रीवा के अंदर ये लगे कि आज गुरु शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ है और आज गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद रीवा को मिले कि रीवा में अब जो भी कमी है, भाई लोग कहते हैं कि रीवा को छोटी काशी कहा जाता है धार्मिक आधार पे। यहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति है, यहाँ महामृत्युंजय जी है, यहाँ सब प्रकार की कहीं भी कही है, पूरा धार्मिक चारों तरफ रीवा के चारों तरफ धार्मिक है, पर्यटक है, पर्यटन के बड़े वो है, इसलिए ये धार्मिक उत्थान के लिए भी एक कार्यक्रम बहुत बड़ा, धार्मिक उत्थान के लिए भी एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है और तमाम विकास की बात है, केवल धर्म के क्षेत्र का मामला था उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। हालांकि रीवा के बारे में कहा जाता है, जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको बता, जो चारों धाम नहीं जा सकते थे, अगर वो लक्ष्मण बाग चले गए तो उनके चारों धाम की यात्रा मान ली जाती थी। रीवा की जनता से क्या कहेंगे, क्या अपील है आपकी रीवा की जनता की? हम रीवा की जनता और न केवल रीवा की जनता बल्कि इस पूरे क्षेत्र की जनता से हमारी विनम्र विनती है कि इस महा आयोजन में शंकराचार्य जी के पदार्पण पर उनके दर्शन उनको सुनने के लिए अवश्य सब लोग पधारें और उनका दर्शन लाभ लें। न्यूज नेटवर्क टुडे भी अपने दर्शकों से अपील करता है, शंकराचार्य जी का आगमन कोई मामूली बात नहीं है। तमाम लोग जो देख रहे हैं या जिनने भी सुना है, 14 तारीख से वो रीवा में रहेंगे, 15 तारीख की शाम को वो रीवा से सतना के लिए रवाना होंगे, जैसा कि इस टीम ने बताया। तमाम लोग शंकराचार्य जी के दर्शन करने आए, हम भी अपने चैनल के माध्यम से जब वो आएंगे तो सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।